अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम वीडियो बना रहे हैं टापरी बकरी की, हैदराबादी टापरी बकरी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके हवाले से इंफॉर्मेशन कि ये बकरियां किस एरिया में पाई जाती हैं, इसमें कलर कौन कौन से होते हैं, इनकी प्राइस कितनी होती है, ये सारी हम बात करेंगे, इनकी क्या क्वालिटियां हैं। तो ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी मीरपुर ख़ास ग़ुलाम हैदर जिंजी के फार्म पर। ग़ुलाम हैदर भाई जो हैं वो गुलाबी बकरियों के बहुत मशहूर शौकीन हैं और ज़बरदस्त शौकीन हैं। तो इन्होंने अभी ये टापरी बकरियों का भी शौक़ किया है, बहुत अच्छी तरह की टापरी बकरियां, ये वाइट टापरी, सिंधी में इसको अच्छी टापरी यानी कि सफ़ेद टापरी कहते हैं। इनके सींग देखें माशाल्लाह से, ऊपर की तरफ छोटा सा मुंह और कान आगे की तरफ झुके हुए, बड़ी ज़बरदस्त ये खूबसूरत बकरियां होती हैं और तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती हैं। इनमें जो है लाल कलर भी एक आता है, ये तकरीबन ठीकी टापरी उसको बोलते हैं, जो कि भूरे कलर की होती है। एक ये वाइट कलर वाली है इसमें, और इसके अलावा एक काली मकड़ी जो होती है वो भी बिल्कुल इसी तरह की होती है, उसका कलर आपने देखा होगा काली मकड़ी वाला होता है। मीरपुर ख़ास टंडो आदम टंडो अलायार और इसके आस पास के जो अजला हैं सांगढ़, इन एरियाज में ये बकरियां पाई जाती हैं। तो इनकी जो कीमत होती है वो तकरीबन 20,000 के आसपास बकरी आपको मिल जाती है नॉर्मल क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली नहीं। तो ये अजला इनके मटियारी टंडो अलायार टंडो आदम सांगढ़ मीरपुर, इन एरियाज में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। बच्चे ये जो है 2 से 3 बच्चे देती हैं, 4 भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 2-3 बच्चे ये देती हैं। और अच्छी बकरियां हैं, अगर घर पे भी आप लोग पालना चाहे तो बेहतरीन, ज़बरदस्त हैं ये पालने के लिए शौक के हवाले से। खाने पीने की भी अच्छी होती हैं माशाल्लाह से, और समझदार, क्योंकि आपने देखा होगा जो सर्कस वाले लेके घूमते हैं जो बकरियों से करतब करवाते हैं, तो उनके पास भी यही बकरियां होती हैं, यही ब्रीड होती है। तो इसमें कलर मैंने आपको बताया, फीका कलर एक जो होता है ग्रे नहीं थोड़ा सा यानी कि मटियाला कलर होता है, एक ये सफ़ेद कलर होता है और एक काली मकड़ी जो यानी कि काले जैसे कलर में होती है, ये इसमें कलर पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो हमारी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।